यो व्हाट्सअप। तो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से सुनोगे कि जहाँ से मैं सुनाऊँगा वहाँ से सुनोगे, और जो मैं बोलूँगा वो यकीन कर लोगे। दैट्स अ थिंग। अभी मैं जा रहा हूँ जिम, और रात के बज रहे हैं 12:40। ये है हमारे जिम की और अभी हम लिफ्ट मंगाएंगे। लिफ्ट भी आ गई भाई, बड़ा ही फास्ट काम है यहाँ तो। और कहाँ गया? फर्स्ट फ्लोर। तो भाई लोग, सिस्टम ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है ज़िंदगी में। जिम जाके अपनी थोड़ा स्ट्रेस खत्म करेंगे, और बस जुड़े रहिए अपने भाई के साथ, एनी टाइम फिटनेस। और ये अपना थोड़ा सिस्टम ऐसे है, लॉक हो गया। इस वक्त कोई नहीं होता इसलिए मैं तो जाता हूँ, बाकी अपनी अपनी इच्छा है। जिसको जितने बजे जाना है, मैं तो इतने बजे जाता हूँ। ओके, तो आज जिम स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ जिम की फीस दे रहा हूँ और जिम नहीं आ रहा, तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ। पहले चैलेंज देते हैं 30 डेज़ का। 30 डेज़ रेगुलर जिम आना है, मतलब जिम आना है, चाहे कुछ करो चाहे मत करो। मतलब नहीं करने से मतलब चाहे वार्म अप करो, बट जिम आना है। क्योंकि ऐसे कोई एक दिन आके हफ्ते में कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब 2 हफ्ते में एक बार आ रहा हूँ, कभी हफ्ते में एक बार आ रहा हूँ। और फीस की कोई बात नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन होना चाहिए अगर गेंस लेने हैं तो। क्योंकि मेरे दिमाग में ना क्या चल रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी भी, मतलब हम फिजिक देखते हैं किसी की और हम ये सोचते हैं कि मेरी बॉडी भी उसकी तरह हो, मेरी बॉडी भी उसकी तरह हो। तो मैं अपने आप को 30 डेज़ चैलेंज दूँगा और रोज़ रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा कि आज मैंने क्या किया। आज मैं कर रहा हूँ, मतलब इस काइंड ऑफ फर्स्ट डे ही समझ लो। तो आज मैं सिर्फ चेस्ट और बैक की 2-2 एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मतलब वार्म अप मैंने कर लिया था, पुशअप्स मारे थे 2-3 सेट, और उसके बाद फिर मैंने बेंच प्रेस मारी है। और अब मैं थोड़ी चेस्ट की मशीन्स मार रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इजी करके ही आप जाएंगे। अब मेरा फ़ोन भी नहीं होल्ड हो रहा है मेरे से, और मतलब स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे ऊपर। एकदम से ज़्यादा पंप करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मसल क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं। और धीरे धीरे करके ही करेंगे। तो 30 डेज़ में देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। और स्टे कनेक्टेड गाइस। इस टाइम ठीक रहता है यार, क्योंकि मेरी बॉडी वैसे भी बड़ी ज़्यादा लीन है। पहले मैं मतलब पुरानी फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा अपकमिंग वीडियोज़ में कि पहले मैं कैसा था। फिर मैंने थोड़ा सा जिम गया था मैं अपने कॉलेज के टाइम, और उसके बाद अब मैंने दोबारा से शुरू किया है। क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे करके बताऊंगा सारी स्टोरीज। और लेट्स डू दिस चैलेंज, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है ये। और 30 डेज़ में कंसिस्टेंसी बन जाएगी। वैसे 21 डेज़ की होती है, पर 30 डेज़ लेके चलते हैं, क्योंकि पूरा 1 महीना आएंगे और आदत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद गेंस भी दिखाऊंगा कि कितने गेंस हुए हैं। और अभी तो फ़ोन भी नहीं होल्ड हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे है ना, शायद से तब करके हो सकता है कि इधर पता नहीं। एक मेरे इस राइट शोल्डर में थोड़ी इंजरी भी है, तो मेरे को उसका भी ध्यान रखना है। और सबसे मेन मेरे को क्या लगता है ना कि मेरी ना लेग्स बड़ी कमज़ोर है। तो सारे बोलते हैं, मतलब जितने भी तुम अगर अच्छे फिजिशियन वगैरह, जितने भी जिम वाले गाँव बंदों को देखोगे ना, वो बोलते हैं, मतलब सारे फोकस करते हैं अपर बॉडी पे, ठीक है। और जो मतलब कंसिस्टेंट जिम मारते हैं वो क्या बोलते हैं कि फोकस करो अपनी लोअर बॉडी पे। एक बार तुम मेरी लोअर बॉडी सही हो जाएगी ना तो। और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसको मैं कोशिश करूँगा वीडियो में काटने की। तो और तो मैं लेग्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, कि मेरी लेग्स बहुत स्किनी है ना, चिकन लेग्स हैं। मतलब चिकन लेग्स में नहीं बोल सकते, पर मतलब कई जैसे इंडियन बंदों के हिसाब से देखोगे तो कई बंदे ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं। तो मैंने पहले करा है जिम 2-3 साल पहले तो। और अभी भी मैं 6 महीने पहले मैंने 2 महीने मारा था, पर उसके बाद थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था। अब मैं दोबारा से कोशिश करूँगा, इस जिम का टूर भी दूंगा तुम बंदों को, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और चलो देखते हैं फिर, अभी मेरी 2 एक्सरसाइजेज बची हैं, उनको मार के मैं आगे बताता हूँ तुम लोगों बंदों को। जिम गया है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज करना हो गया जाऊँ भाई, क्योंकि मेरा कुछ काम होता है, उसके बाद मेरे को लेट नाइट हो जाती है काफ़ी। और ये भी जिम की भी बैक एंट्रेंस से जाना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए मैंने ये जिम ज्वाइन किया था, इसका नाम है एनी टाइम फिटनेस, मतलब कि एनी टाइम मतलब 24/7 खुला रहता है, अप टू योर कन्वीनियंस, आप किसी भी वक्त जा सकते हैं। और तो मेरे को ये सूट करता है, सूट क्या करता है मतलब मेरी काफ़ी दिनों से ना, मतलब काफ़ी दिनों से मेरी थोड़ी लेजी सी रूटीन हो रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और तो मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्टिव किया जाए, और तो जिम जाना शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था 30 डेज़ चैलेंज देंगे। और जब तक तुम अपने आप को कोई चैलेंज नहीं देते हो ना, तब तक तुम्हारी बॉडी ना उस अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करती, मतलब बॉडी नहीं, माइंड ऐसे डेवलप हो जाता है तुम्हारा कि वंस यू चैलेंज योर सेल्फ, तो आप वो टास्क नहीं करते हुए भी ना आप करोगे, क्योंकि आपको क्या होगा कि अगर नहीं किया तो आपका ऑटोमेटिकली रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा आपको उस चीज़ को लेके। तो और कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातें बकवास लगें, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी तो तुम लोग दुनिया भर का क्रिंज स्टफ देख ही रहे हो, और मैं किसी मकसद से नहीं बना रहा कोई भी कंटेंट। तो जिन लोगों को ठीक लगेंगी बातें वो देख सकते हैं, जिनको नहीं ठीक लगेंगी भाई उनको राम राम, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, है ना। डिसलाइक का बटन होता है, डिसलाइक ही कर दो तब भी हम वायरल हो जाएंगे भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मोस्ट डिसलाइक्ड व्लॉग और समथिंग। तो अब मैं जा रहा हूँ घर को, पीछे है हमारा ड्रग टू बूट वूलवर्थ का, वूलवर्थ की हमने टी-शर्ट पहन रखी है, तो इसकी स्टोरी भी बताऊंगा। जिन लोगों को भी कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई बातें होंगी करने के लिए, है ना, 2 वे करेंगे अपन ये कन्वर्सेशन, तो मेरे को ड्रॉप डाउन कर दें कमेंट्स में जो भी आप लोगों को जानना होगा, है ना। अच्छा तुम सोच रहे होंगे, है ना, बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। किस्सा एक नहीं है यार, किस्से बहुत हैं, हम एक साथ नहीं बताएंगे सारा कुछ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और लोगों को इतनी बकवास सुननी नहीं होती है। तो किसी को बोर ना करते हुए इस व्लॉग को मैं यही एंड करूँगा। और चेयर मी गाइज फॉर द 30 डेज चैलेंज। आज का दिन है बहुत ही